बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक दल के प्रत्याशी सिंबल लेकर नामांकन करने की तैयारी कर रहे हैं। वहीं निर्दलीय प्रत्याशी भी विधानसभा क्षेत्र में गांव-गांव घूमकर अपनी उम्मीदवारी जता रहे हैं। इसी के तहत रविवार को राजद से वजीरगंज विधानसभा क्षेत्र के लिए टिकट नहीं मिलने पर पूर्व राजद नेता एवं हम के नेता शीतल यादव ने निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर वजीरगंज विधानसभा के सहिया गाँव में जनसंपर्क किया। इसके अलावा सहिया गाँव के लोगों के साथ बैठक भी की। इस दौरान शीतल यादव ने लोगों से चुनाव में साथ देने की अपील की। वहीं शीतल यादव ने कहा कि एनडीए और महागठबंधन के खिलाफ 6 अक्टूबर को नामांकन करेंगे। यहाँ वजीरगंज विधानसभा के सभी कार्यकर्ता को मैं अपनी ओर से और वजीरगंज विधानसभा की ओर से हार्दिक शुभकामना और बधाई देता हूँ। अभी जो है तो विकास के मुद्दा पर मैं चुनाव लड़ रहा हूं और खास करके यहां के नौजवान लोग बोलिन कि शीतल भैया आप एक बार वजीरगंज में आइए। मैंने प्रयास किया टिकट लेने के लिए, टिकट नहीं मिला। उसके बाद यहां के जनता लोग, वजीरगंज विधानसभा के लोग, पूरे जमायत का लोग मेरे साथ एक होकर बोला कि यदि टिकट नहीं मिलता है भैया तो आप जनता के टिकट पर आप आइए। मैं आपको तहे दिल से और भारी भारी से बहुमत से जिता करके आपको वजीरगंज के विकास के लिए हम लोग चुनाव कर करके आपको भेजने का काम करेंगे। चाहते तो कहीं दूसरे जगह से भी मेरा कोई पार्टी से टिकट मिल जाता, लेकिन चूंकि वजीरगंज विधानसभा में लोगों का आह्वान आज से नहीं, करीब 2 साल से मेरा लोग तैयारी करने में लोग लगे हुए थे कि आप यहाँ आइए, टिकट मिलता है तो भी या न मिलता है तो भी, तो मैं इन लोगों के आह्वान पर पूरे वजीरगंज विधानसभा में इस तरह से आज हमको कार्यकर्ता यहाँ के लोग सम्मानित करने का काम किया। मैं तहे दिल से उन लोग का भी बहुत बहुत अभिनंदन करना चाहता हूँ। पहले मैं थे जीतन राम मांझी जी के पार्टी में, हम में और राष्ट्रीय जनता दल के महागठबंधन में थे। महागठबंधन में जब टिकट नहीं मिला तो मैं फिर आपको निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में वजीरगंज विधानसभा से मैं चुनाव लड़ने के लिए हमारे जनता के अनुसार मैं तैयार हूँ। नॉमिनेशन कर रहे हैं? नॉमिनेशन मेरा 6 तारीख को है। आप लोग को भी सादर आमंत्रित है और पूरे पूरे वजीरगंज विधानसभा के जनता भी आमंत्रित करता हूँ। इतने के बाद जनता का खुशी, जो विकास का काम जो अवरुद्ध है और जो मान सम्मान की अवरुद्ध है, वो सब पहले शीतल यादव यहाँ लिस्ट बना करके विकास का काम, विकास का धारा चलाएगा। क्योंकि तो जिला परिषद का मैं उपाध्यक्ष थे, उस समय भी यहाँ हम लोग आते जाते रहे हैं और उसी आते जाते के समय लोग समझा कि एक अच्छे आदमी है, जमायत का नेता है। तो इन लोग के आह्वान पर मैं वजीरगंज के धरती पर इनका बेटा बन करके मैं विकास के लिए और मान सम्मान की लड़ाई के लिए शीतल यादव आप लोग के सामने, आपके बीच में आया। खबरों का सिलसिला निरंतर जारी रहेगा, तब तक के लिए हमें और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।